यान का पहला रोज़ा भी है माशाल्लाह से। तो मैं कॉप के भी थी वहाँ से, यान की फेवरेट जो से चीज़ें पसंद हैं वो ली हैं उसके लिए, ताकि वो खुश हो जाए जब इफ्तार करे। तो पहला रोज़ा है, फ़र्स्ट टाइम जो है उसने रखा है रोज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। अभी घर चलते हैं और घर को टाइडी अप करते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अ डिजिटल वर्ल्ड, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इफ्तारी व्लॉग, और इसके अंदर आपको 2 से 3 दिन के व्लॉग्स मिलेंगे। अयान का पहला रोज़ा था फ्राइडे को, अल्हम्दुलिल्लाह से अयान ने अपना पहला रोज़ा रखा था जुम्मे वाले दिन। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अयान के लिए पास्ता। ये है एल्बो पास्ता, साथ में है ये टोमेटो एंड बेजल पास्ता सॉस। पानी रखती है थोड़ा सा इसके अंदर, सॉल्ट और ऑयल डालूंगी थोड़ा सा ताकि वो चिपके नहीं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया इसके अंदर, अंदाजे से मैं पास्ता डाल रही हूँ जितना मुझे चाहिए। डाल बनाने लगे हैं जी फ्रूट चाट। ग्रेप्स मैंने काट लिए, काफ़ी बड़े साइज़ के थे। एप्पल डालूंगी, स्ट्रॉबेरीज, एक बनाना है और ऑरेंज, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों ने खानी है, बच्चे नहीं खाते फ्रूट सैलड। एप्पल वैसे एप्पल खा लेते, बनाना भी वैसे खा लेते, लेकिन मिक्स करके नहीं, सेपरेट सेपरेट। आई एम जस्ट सेइंग यू कैन ईट, यू ओनली ईट एप्पल सेपरेट, बनाना सेपरेट, नॉट इन अ सैलेड फॉर्म, इज इट, एम आई राइट? यस। सेब को भी इस तरह से छील लेंगे छिलके के साथ, और ये लगता है नया ने काटी की हुई है, इसको रिमूव करें। मैंने वॉश कर लिया है, उससे पहले नया ने काटी की हुई है। ट्वेल्व मिनट्स के लिए पास्ता जो है उसको बॉयल करूँगी, उसके बाद अंदर पास्ता सॉस डाल के जो है उसको बना लेंगे ऊपर से, फिर चीज़ मेल्ट कर लें। और मैं एयर फ्रायर में मेल्ट कर लूँगी या फिर उसके अंदर ऐसे ही मेल्ट कर लूँगी। लेट्स सी फिनिश। थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालेंगे, चाट मसाला है फ्रूट चाट मसाला, ब्राउन शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी, वाइट शुगर नहीं, ब्राउन। ओके, अभी इसके अंदर डालेंगे फ्रूट चाट मसाला। और आज यान का माशाल्लाह से पहला रोज़ा भी है, पहली दफ़ा यान ने रोज़ा रखा, इसको मिक्स करेंगे। ओके, मिक्सर विदाउट ड्रॉपिंग। ये फ्रूट सैलड सिर्फ मैंने ही खाना लगता, मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा गला ख़राब है, ये फ्रूट चार्जर मैं ही खाऊंगी, यान भी नहीं खाता, यान सेपरेट खाता है। डन। थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दें हम पापड़ी, दही को बोलने के बाद थोड़ी सी ऊपर इमली की चटनी डालेंगे, वाली है मेरे पास एंगो बैगन, मैगी की है ये इमली वाली चटनी जो होती है, फर्स्ट टाइम मैंने ली है, लास्ट ईयर भी मैंने रमज़ान में ली थी, यूज़ ही नहीं की, एक्सपायर्ड ही हो गई थी बड़ी बड़ी, इस बार जो है फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालूँगी, नाइस डन। थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे, यहाँ पे बन रहा है जी एयर फ्रायर के अंदर चिकन फिलेट, और यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं, अयान के लिए पास्ता बॉयल हो गया, फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैंगो सॉस वह ऐड करेंगे, इसके ऊपर चीज़ डालूंगी, और एयर फ्रायर के अंदर सब चीज़ मेल्ट करनी है। दैट्स इट पिज़्ज़ा, आया
इफ्तार हमने कर ली थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी, और इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है हमारे घर में चाय पी जाती है। सो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो चाय पियेंगे, बच्चे तो चाय नहीं पीते। और अयान की है ये जी फेवरेट आइसक्रीम ट्रिपल चॉकलेट सौंदे, और अयान को ये बहुत पसंद है। तो आज इफ्तार में मोस्टली जो चीज़ें बनी थी वो यान की पसंद की थी, और इनाया रूहान का तो वैसे ही खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बस कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी फ्राइज़, कभी ब्रेड ले लेते हैं, और समोसे पकोड़े तो वो दोनों बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन अयान ने अब खाना शुरू कर दिए। मैं ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और बच्चे जो है उसके बाद सो गए थे 9 o'clock तक, मेरे बच्चे जो है वो बेड पे चले जाते हैं, चाहे वीकेंड हो चाहे जो मर्ज़ी हो, बच्चों का एक ही टाइम है सोने का। सो ये है जी सैटरडे मॉर्निंग, और बच्चे जो है वो ऑब्वियसली घर पे ही थे, तो बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी थे और मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये एक वुडन ट्रे पड़ी हुई है, इसको DIY करते हैं, इसका कुछ बनाते हैं। और काफ़ी अर्से से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पेंट करूं, और आज मैंने फाइनली सोचा कि चलो मैं पेंट कर लेती हूं, और फिर उसके बाद जो है वो मैं कुरान पढ़ूंगी, फिर जो है वो जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इस ट्रे को वाइट पेंट कर रही हूँ, ऑयल बेस्ड पेंट है, और ये मेरे पास एक पुरानी पड़ी हुई थी ट्रे, वुडन ट्रे, इसका एक बोर्ड था, इसको मैंने सोचा पेंट करते हैं, और अभी तक मैं इसके ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। नया का लंच रेडी है, छोटा सा ट्राइंगल पराठा और साथ में चॉकलेट है, इनाय सो हंग्री, ओरियो, सम क्यूकंबर स्टिक्स। और अभी यहाँ पे टाइम है तकरीबन 4 बजे का, और काफ़ी टाइम था हमारे पास अभी इफ्तार होने में, 6:30 के अराउंड जो है यहाँ पे इफ्तार टाइम था। और संडे को वैसे भी UK में डे लाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जानी थी, टाइम चेंज हो जाना था, तो आज वैसे 6:30 पे था, लेकिन अब जो है वो 7:35-36 तक टाइम आ चुका हुआ है, 1 घंटा जो है वो टाइम जो है वो आगे हो गया हुआ है। अभी यहाँ पे चिकन कॉर्न सूप जो है वो रेडी करने लगी हूँ, साथ में मैं बर्गर बनाऊँगी, आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब वाले बर्गर, और थोड़ी क्वांटिटी ही मैं बनाती हूँ सारी चीज़ों की। यहाँ पे सूप तैयार हो रहा है, पकौड़े रेडी हो रहे हैं, शामी कबाब जो है वो फ्राई हो गए। और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं थकी हुई थी, तो मैं फिर आ गई थी रूम में ऊपर, और यहाँ पे मैं और नाया बैठे हुए थे, नाया जो है अपनी बुक भी रीड कर रही थी, और मैं जो है वो साथ साथ यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही थी। एवरीथिंग नाया इज़ रीडिंग बुक, दिस इज़ आवर नाया बुक। सो आज है जी संडे, और संडे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, तो मैंने बच्चों को बाद देना था, तो मैंने सोचा चले इनाया जो है आज ये नया ड्रेस है वूल का बना हुआ पूरा ड्रेस जो है, तो अनाया जो है आज बाथ लेने के बाद ये वाला ड्रेस पहन लेती। वेदर भी ऐसा था और काफ़ी ये ज़्यादा कोज़ी भी था, कम्फी भी था। और इसके अलावा ये रमादान मुबारक के मैंने काउंटडाउन कैलेंडर लिए हुए थे बच्चों के लिए अजदा से, और ये वाला था रूहान के लिए, रमादान इज़ हियर, रमादान करीम, ग्रीन वाला जो था वो अयान के लिए था, और उमर अनहना वाला अनाया के लिए। थैंक यू, दिस इज़ फॉर रूहान, रमादान इज़ हियर, उमर अनहना, रमादान मुबारक फॉर इनाया। सब पिक्चर चॉकलेट, और सबके अंदर जो है ना मैसेज भी है कोई, जैसे नंबर 1 के अंदर एक असमी का क्या मतलब है, ऑल द हेयरिंग, नंबर 2 पे था अल मालिक द किंग, सो आई थिंक ये अल्लाह ताला के नेम्स के ऊपर बेस करता है। सो जब भी कोई चॉकलेट ये ओपन करेंगे रमादान कैलेंडर की, तो अंदर से कोई ना कोई मैसेज भी होगा सीखने के लिए भी। और ये है जी थर्ड रोज़ा, और जो एक दिन पहले मैंने चिकन कॉर्न सूप बनाया था, तो उस दिन भी मैंने सोचा था कि साथ में गार्लिक ब्रेड बना लूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, इफ्तार के टाइम मुझे
एकदम से मेरे जहन से स्लिप हो गया, मुझे याद ही नहीं आया। सो खैर आज यहाँ पे मैं साथ में गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ, साथ में सूप हो जाएगा, चिकन पकौड़ाज हैं, शामी कबाब थे और फ्रूट सैलड था। और मुझे पहले इसकी वीडियो बनाना याद नहीं रही, लेकिन जब हमने खा लिया था उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ये क्लिप लिया था यहाँ पे। और ये है जी फिफ्थ रोज़ा, और हस्बैंड ने फरमाइश की कि आज लस्सी भी नहीं है। पहले मैंने एक दिन बनाई थी लेकिन उसके बाद मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा यहाँ पे वैसे इतनी ठंड होती है तो लस्सी कैसे पिए। फिर हस्बैंड ने बोला कि पानी जो है वो नहीं पिया जाता तो लस्सी बना लेते हैं। सो खैर यहाँ पे जी अभी हो गया इफ्तार का टाइम, फिफ्थ रोज़ा है। और मैंने आपसे पहले लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मुझे पंजाबी समोसा जो है वो खाने हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि घर में बन जाए, लेकिन घर में मेरे से नहीं बने। और मैंने आलू बॉयल किए थे लेकिन उससे पहले ही मेरे हस्बैंड जो है वो ये पंजाबी समोसा नफीस के ले आए थे। सो खैर ये आज फ्राई कर लेंगे। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे चना दाल की खिचड़ी है, और इसके अलावा साथ में बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना लिए थे। तो ये है जी हमारा छोटा सा मेन्यू। और इफ्तारी वगैरह करने के बाद जो है वो चाय वगैरह हम पीते हैं, उसके बाद फिर बच्चे सो जाते हैं। सो ये था जी हमारा व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।